नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के अंतर्गत हम तैयारी के संदर्भ में पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिन्हें आपको अपनाना है अपनी तैयारी के दौरान, जिससे आप तैयारी के बारे में एक बेहतर समझ पैदा कीजिए। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को तैयारी करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत जरूरी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस विषय की तैयारी कर रहे हैं। एक सर्वे में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि तैयारी करने वाले या किसी भी फील्ड में किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों में से 70% लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ही हास्यास्पद आंकड़े हैं, 70% लोगों के अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं होते, वह एक गलत डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहे होते हैं, गलत डायरेक्शन में जो है अपना प्रयास कर रहे होते हैं, इफर्ट कर रहे होते हैं। लक्ष्य अगर किसी ने सोच के ये चला है और प्रयास वो इस दिशा में कर रहा है तो ये चीज़ कैसे प्राप्त हो सकती है, ये चीज़ प्राप्त ही नहीं हो पाएगी, और चूंकि इसके लिए वो कर नहीं रहा है तो ये प्राप्त हो भी नहीं सकती है। किस तरीके से वह व्यक्ति अपने जीवन काल में जो असफल होता है या किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छे और ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं पहुंच पाता है, तो आप अपने लक्ष्य का निर्धारण जरूर कीजिए। और लक्ष्य निर्धारण आप कैसे कर पाएंगे, अपनी योग्यता और अपने जो है क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों ही चीजों पर आप मूल्यांकन कीजिए। योग्यता और क्षमता आपकी क्या है, इसके अनुसार अपने लक्ष्यों का आप जरूर निर्धारण कीजिए। अब लक्ष्य अधिक भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लक्ष्य अगर बना लिया जाए तो व्यक्ति के शक्ति संसाधन ऊर्जा कई दिशा में बढ़ जाते हैं, जिससे किसी भी एक लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसलिए एक प्रकार की अगर टीचिंग डायरेक्शंस में कोई आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो पीजीटी या नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम को एक साथ कवर कर सकता है, लेकिन अगर वो एक साथ में बैंक, रेलवे, पीजीटी, सिविल सभी एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करें तो निश्चित मान लीजिए उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत छीण हो जाएगी। इसलिए आप इस तरीके से लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, वह लक्ष्य आपकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता उस दिशा में झोंक दीजिए और आप ये निश्चित मान के चलिए अगर आप ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने योग्यता और क्षमता पर निर्धारित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली कोई पावर आपको जो लक्ष्य को पाने से नहीं रोक पाएगी, ये आप मान करके चलिए। तो इस तरीके से लक्ष्य निर्धारण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल गेट्स ने अपने एक व्याख्यान में इस बात को कहा था कि हम आज इतनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंचे हैं, बिल गेट्स ने कहा था कि हम आज इतनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने बहुत कम लक्ष्य का निर्धारण किया, बहुत कम लक्ष्यों पर काम किए, क्योंकि कम लक्ष्य पर काम करके व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा, समय, शक्ति और संसाधन जब लगा देगा तो वहां पे क्रांति आ जाएगी, बदलाव वहीं क्रांति आ जाएगी। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि गोल डिटरमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल डिटरमिनेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज है आपके शैक्षिक सहायक की, इसके अंतर्गत आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए किसी भी विषय का, पीजीटी का अगर, और अध्ययन सामग्री, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री कई लोगों के पास एग्जाम दो बार तीन बार देने के बावजूद भी पाठ्यक्रम नहीं होता। उस पाठ्यक्रम पर आधारित, क्योंकि सिलेबस हम क्या पढ़ेंगे, यह पाठ्यक्रम होना चाहिए तभी हम सिलेबस खोज पाएंगे और उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम हमारे पास टेबल पर होना चाहिए ताकि हम उसको देख करके स्पष्ट हो सके। यदि पूर्व में जो है विश्लेषण के अंतर्गत हमने जिस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया, अगर दो से तीन बार आप उसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके माइंड में वो एक चिप की तरह से जो है लग जाएगा और उसको कभी भूलने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण किया गया है। तो पाठ्यक्रम आपके पास जरूर होना चाहिए और उस पाठ्यक्रम पर आधारित अध्ययन सामग्री प्रत्येक टॉपिक वाइज होना चाहिए और फिर इस टॉपिक का ईमानदारी से अध्ययन होना चाहिए। कोई दुनिया की ताकत आपको अपने सफल होने और लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। तो शैक्षिक सहायकी
आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत ही जरूरी है। इन दोनों चीजों को आप अपने पास बनाने का प्रयास कीजिए। तीसरा है विचलन। ये किसी भी शहर में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आम बात होती है। जब वह तैयारी की दिशा में होता है, कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक दबाव काम करते हैं, क्षेत्र के लोगों की असफलता दबाव काम करती है, समाज में रहने वाले लोगों के कमेंट उस पर पास होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर विचलन की संभावनाएं आती हैं। तो आपको इसे प्रत्येक दशा में रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये लक्ष्य का निर्धारण है तो ये स्वतः ही आपको सहायता प्रदान करेगा। लेकिन आपको किसी की बात नहीं सुनना है, ये आप सुनिश्चित हो लीजिए कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही कमेंट करने वाले व्यक्ति आपके साथ में खड़े होंगे। और जब तक आप लक्ष्य नहीं पाते हैं तब तक आपका विरोध करने वाले लोग समाज में, गली में, स्कूल में, हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए आपको विचलन से बचना होगा, यानी कि लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आपके पास लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन Lack of distraction, विचलन का अभाव, lack of distraction आपके पास होना चाहिए। और चौथा चीज है अनुप्रयोग। चौथा चीज है अनुप्रयोग। आपको किसी भी क्लास में मैं कहता हूं आपको लंदन भेज दिया जाए पढ़ने के लिए, अगर वहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि नियम और विनियम आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप उसको अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने चिंतन प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हैं, तब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है, आपकी तैयारी नहीं हो सकती है और आप प्रिपरेशन के डिफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो भी रूल्स रेगुलेशन, थॉट थियरी, कोई भी चीज आपको क्लास में किसी टीचर के द्वारा, किसी कोचिंग में, किसी मोटिवेटर के द्वारा बताई जा रही है, आप उसको अपने चिंतन प्रक्रिया में शामिल करने का जरूर प्रयास कीजिए। यानी कि आप उस नियम विनियम सिद्धांतों को अपने थॉट प्रोसेस में एंट्री करवाइए। किसी भी चीज को अगर क्लास में पढ़ाया गया है तो आप उसको अपने आवास पर, अपने कक्ष में बैठने के बाद सोचिए कि हमें पढ़ाया क्या गया है और उसको एक बार पूरा मनन में ले आइए। इसी को कहा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपनी थॉट प्रोसेस में एंट्री करवाना। और जब तक आप ऐसा नहीं करवाएंगे तब तक समस्या रहेगी और पुनः इस चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने व्यवहार में उसको प्रयोग में लाइए। अर्थात किसी भी टॉपिक का अगर अध्ययन करवाया गया है तो उसको पढ़ने के बाद उससे संबंधित सभी पहलुओं और पक्षों का एक अध्ययन कीजिए, समझ पैदा कीजिए और उससे आधारित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो ये होगा अनुप्रयोग, यानी कि रूल्स है एंड रेगुलेशंस है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अपने थॉट प्रोसेस में लाइए और दूसरा जो है इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये रूल्स आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए। आप ऐसा करके भूलने को मात दे सकते हैं या गारंटी कहा जा रहा है, लगभग 70-80% सुधार आप 3 दिन के अंतर्गत देखेंगे। और अगर ऐसा करने से नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके पास समस्या है जो आप इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आप रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी पढ़ाई जा रही है उसको अपने थॉट प्रोसेस में ले आइए, जैसा कि मैंने बताया, उसके बारे में मनन कीजिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, यानी कि अनुप्रयोग कीजिए, अर्थात उस पर आधारित पाठ्यक्रम का अध्ययन कीजिए, सभी पहलुओं को समझने का प्रयास कीजिए और उससे संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। ये चीज अगर 3 दिन अपने व्यवहार में करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है उसकी तैयारी से रोक नहीं सकती है और अपने लक्ष्य को पाने से मना नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से अनुप्रयोग, इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो और पांचवा चीज है शब्द की व्याख्या, यानी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जीवन में अपने देखते होंगे, कोई भी नई चीज आती है या इसी तरीके से जब आप अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो अपने में काफी कुछ अर्थ को समाहित और निहित किए हुए होते हैं, उसके शब्द को पढ़ना आवश्यक है। जैसे समझ आ रहा है, गणतंत्र शब्द आ जाता है, इसी तरीके से राजनीति सिद्धांत पढ़ा है, संप्रभुता शब्द। अब यह एकमात्र शब्द है, संप्रभुता एक शब्द है, लेकिन यह अपने आप में काफी अर्थ को समाहित किया हुआ है। और जब आप राजनीति विज्ञान TGT के लिहाज से पढ़ रहे हैं या किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं
तो शब्दों की जो व्याख्या और उसके बारे में व्याख्या करके एक समझ पैदा होना बहुत जरूरी है। जैसे संप्रभुता कोई पूछता तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संप्रभुता राज्य का एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके इस निर्णय या आदेश का विरोध करने की स्थिति में नहीं होता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, संप्रभुता मतलब राज्य की विशेषता, कोई संगठन की विशेषता संप्रभुता नहीं हो सकती है। आप पाठ्यक्रम में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से शब्द की व्याख्या, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी नया शब्द आता है, कोई भी क्लिष्ट शब्द आता है, कोई भी टफ शब्द आता है, तो उसके मतलब को आप जानने का जो है जरूर प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके से लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल डिटर्मिनेशन और स्टडी मटीरियल, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, ये पांच प्रकार के जो है पॉइंट्स हैं। इन पांचों पॉइंट्स को अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास कीजिए। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो भूलने की प्रक्रिया को मात दे सकता है। अगर आप इसको अपने जीवन काल में उतारने का प्रयास करते हैं तो आप भूलना भी भूल जाएंगे, मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं। तो इस तरीके से आप टीजीटी के विश्लेषण के साथ साथ में इन पांचों पॉइंट्स को अपने तैयारी में यूज करने का, अनुप्रयोग करने का प्रयास कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी तैयारी में एक चमत्कार, एक नया परिवर्तन, एक बदलाव आएगा और आप ऐसा करके अपनी तैयारी से संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में अपने आप को मजबूती के साथ उतार सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ आसानी मिलेगी और पूरा एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।